सो गाइस, क्या बरूटो का पार्ट 2 कैंसिल हो चुका है, तो आओ देखते हैं। तो एयर होते हुए देखा था, एंड दैट एपिसोड वाज एपिसोड 293, एंड नाउ इट्स फरवरी, बस कुछ ही दिन बाकी है फिर मार्च, एंड अगेन एक साल होने वाला है, बट स्टिल देयर इज नो अपडेट अबाउट बरूटो, या फिर बोल सकते हो बरूटो शिप्पुडेन, क्यों ना बरूटो पार्ट 1 ऑफिशियली 293 एपिसोड में खत्म हो गया था, और हम लोग अभी देखने वाले हैं बरूटो शिप्पुडेन, और वी कैन कॉल इट बरूटो 2 ग्लो वर्टेक्स। सारे बरूटो फैंस के लिए बहुत टाइम से वेट करते हैं, देखते देखते ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है, एंड स्टिल देयर इज नो फ्रीकिंग अपडेट, बरूटो ने वापस नहीं आया, क्या बरूटो कैंसिल हो चुका है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ बरूटो, एंड is for you, हमारे सामने कुछ लीक्स आए जो बैड न्यूज गुड न्यूज दोनों होल्ड करता है। 15 फरवरी को ये लीक हमारे सामने है, अकॉर्डिंग टू दिस लीक बरूटो एनीमे पुशबैक हो चुका है, एंड ये मोस्ट लाइकली 2027 या फिर 2028 को आने वाला है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड ये लीक कितना सच है नहीं है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगर ये सच भी हुआ तो ये हमारे लिए बेनिफिट है या फिर नहीं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स इट्स बीन सो लॉन्ग कि हम लोगों ने बरूटो एनीमे के बारे में बातचीत नहीं, बरूटो फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग है मेरे को पता है, बट इट्स नॉट ऑफिशियल राइट, बट इससे पहले इसका लीक सच हो चुका है, एपिसोड 189 के ऊपर इसने अपना लीक पोस्ट किया था महीनों पहले, जो सच्ची में सच निकलता है, इसके बाद से इसके ऊपर सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि हां ही इज टेलिंग द ट्रूथ, बट वी आर नॉट श्योर राइट, बट हियर अकॉर्डिंग टू अ लीक फ्रॉम रेप्यूटेबल एनिमे इनसाइडर, बरूटो एनिमे का जो प्रोडक्शन कंपनी है स्टूडियो पीरियड, उन लोगों ने बहुत पहले डिसाइड करके रखा था जो बरूटो का न्यू एपिसोड है वो लोग पुश बैक करने वाले हैं। अब यहां पर जो डिले का न्यूज आने के साथ मेरे को लगता है स्टूडियो पीरियड का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका जो इंटरव्यू हुआ था कुछ ही टाइम पहले उसका कनेक्शन है, बिकॉज उन्होंने वहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया टू शिफ्ट फोकस टू प्रोड्यूसिंग हायर क्वालिटी भाई, और वो लोग अब से सीजनल एनिमे में ज्यादा फोकस करने वाले, लॉन्ग रनिंग शो पे नहीं, एंड स्टूडियो पीरियड के डायरेक्टर ने क्लियरली बोल दिया कि भाई वो लोग अभी कंप्लीटली फोकस कर रहा है ब्लीच के न्यू सीजन के ऊपर, कोई और एनिमे के ऊपर नहीं, ब्लीच का जो न्यू सीजन। अच्छा बाकी गाइस, तुम लोगों को ब्लीच कैसा लगता है, मेरे को तो लगता नहीं भाई, सही बताओ ना, टॉप 3 तो लायक मेरे को नहीं लगता भाई, फेरी टेल को रखना चाहिए भाई, रही बात बरूटो की भाई शिप्पुडेन नाम रखो, शिप्पुडेन मत रखो भाई, शिप्पुडेन सिर्फ नारुतो शिप्पुडेन डिजर्व करता, बरूटो नहीं। सारे 1000 इयर्स ब्लेड और पार्ट 3 वो उनके लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड पूरा फोकस वो लोग वहीं पर कर रहा है, सो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन ब्लीच 1000 इयर्स ब्लेड और पार्ट 3। अब देखो बरूटो फैंस, मेरे को पता है ये न्यूज़ तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, आई नो राइट, बट देखा जाए तो ठीक है, अभी किस किस को लगता है कि बरूटो की सी मांग अच्छी है, बरूटो नहीं बॉस भाई, बरूटो के अंदर उतना ज्यादा कंटेंट नहीं है, मांगा मंथली है, मंथली एक चैप्टर आता है, एंड देयर इज नॉट इनफ सोर्स मटेरियल करंटली टू सपोर्ट ऑनगोइंग वीकली एपिसोड्स, ये तुम लोगों को पता है, इतना सारे बरूटो फैंस को पता है, बरूटो का टाइम स्केप बस अभी हुआ, बस 7 चैप्टर्स है, मेरे को पता है 7 चैप्टर्स के अंदर बहुत कुछ हुआ, बट एक लॉन्ग रन एनिमे के अंदर इसको कवर करने में बस 7 हफ्ते लगेंगे, फिर आगे कोई कंटेंट बचेगा ही नहीं, मांगा आने से पहले एपिसोड कॉट अप कर लेगा ब्रो, अगर वीकली मांगा होता तो बात अलग होती, बट इट्स मंथली मांगा तो यहाँ पर कंटेंट कम है और एनिमे सीजनल नहीं है, लॉन्ग रन है, तो इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ढेर सारे फिलर्स घुसाना पड़ता है, जिसकी वजह से बरूटो की रेपुटेशन एकदम खराब हो गई, ये सारे बरूटो फैंस को पता है, और बरूटो पार्ट 1 को लेके कितना ट्रॉल हुआ आज तक तुम लोगों को इतना पता है, इवन कोड आर को लेके बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, उसने भी हक दिया वहां पर, एंड डोंट फॉरगेट सेम विद सास्के रेड स्टूडेंट, सास्के का एक हाथ नहीं था बट वहां पर दिखा दिया था कि उसके पास दो दो हाथ है, देखो नाउ इफ यू आस्क मी अबाउट द करंट सिचुएशन, मैं बोलूंगा कि भाई ये लीक सच भी हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बरूटो को लेट आना है तो आने दो, बट मैं चाहता हूं 2-3 साल लगा दे, बट एक बढ़िया एनिमेशन, बढ़िया भाई भाई, आग के बाद जो बरूटो जाता है ना एक अलग लेवल पे चला जाता है भाई, जैसा भी वन पीस का एनिमेशन चल रहा है ना वैसा अगर प्रोवाइड करा दे भाई क्या मजा आएगा, बहुत कुछ सफर करता है, सारे बंदे एक साथ चले जाते हैं, ब्रूटो अलग साइड में चले जाते हैं, फिर टाइम स्किप होता है, ये सब एक बढ़िया एनिमेशन के साथ ही मजा आएगा, ना कि बीच में 20-30 फिलर्स एपिसोड घुसा दो फिर जाके टाइम स्किप दिखाओ, फिर टाइम स्किप के 5-10 एपिसोड दिखाने के बाद फिर से फिलर्स घुसा दो, ना भाई फिर मजा ही नहीं आएगा, जैसे कि हम लोग को पता चले स्टूडियो पीरियड अभी फिलहाल सीजनल एनिमे के ऊपर फोकस कर रहा है, तो मेरे को लगता है इट्स अ वेरी गुड चांस ब्रूटो एनिमे सीजनल हो जाए भाई, आई नो सम ऑफ यू माइट डिसएग्री विद मी, बट मेरे को लगता है कि बेटर ऑप्शन है, इससे ब्रूटो को हेट नहीं मिलेगा, इवन जो ब्रूटो हेटर्स है उन लोगों को पता है ब्रूटो मांगा पिक है, बट एनिमे ट्रश, तो ये जो एनिमे ट्रश का धब्बा ब्रूटो के ऊपर लगा है ना ये एकदम से चला जाएगा भाई, कहा तक है, तो मेरे को लगता नहीं वो लोग बरूटो को लेकर रिस्क लेने वाला है, और जो बरूटो पार्ट 2 डिले होने वाले न्यूज़ है इसके पीछे मेरे को लगता है और भी रीजन है, जैसे नारुतो का न्यू प्रोजेक्ट जो आने वाला था, एंड वो लोग बोल रहे थे कि इसके ऊपर वो लोग अच्छे से काम, वही वाला ना 4-5 नए एपिसोड भाई क्या है कर रहा है, और बेटर एनिमेशन हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, शायद वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग को पता है ब्लैक क्लोवर, किंगडम एनिमे, यूना ऑफ द डाउन, तो ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर स्टूडियो। अच्छा गाइस, तुम लोग ये बताओ ब्लैक क्लोवर किस किस का फेवरेट, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है, एंड मेरे हिसाब से वो भी टॉप 3 डिजर्व करता है, पीरियड काम कर रहा है स्टूडियो पीरियड की, बट ब्लीच ना भाई कभी नहीं, सारे के सारे प्रोजेक्ट सीजनल है भाई एक्सेप्ट फॉर बरूटो, तो शायद अभी बरूटो भी उसी वे में जाने वाला है, आई मीन सीजनल, एंड फॉर दैट रीजन बरूटो को आने ना, मेरे को नहीं लगता कि मसाशी किशिमोटो करने देगा ऐसा, टाइम लग रहा है, अब चलो डिले हुआ तो हुआ, अब क्या ही कर सकता, अब ये मत भूलना नारुतो आने में 2002 में खत्म हुआ था, नारुतो शिप्पुडेन स्टार्ट हुआ था 2007 में, 2003 में नहीं, एक साल बाद ही स्टार्ट नहीं हुआ था, तो या बरूटो आने में खत्म हुआ 2023 में, डजंट मीन कि अगले साल स्टार्ट हो जाएगा, तो डिले हो सकता है भाई, और इसके बारे में बहुत सारे लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि वो लोग जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो डिसीजन है सीजनल का इसके ऊपर बहुत सारे लोग वोट कर रहे हैं कि भाई ये एकदम राइट चॉइस है, अगर थोड़ा क्योंकि ना 1-2-3 साल के गैप में जितने चैप्टर आएंगे ना उसको कॉट अप करते करते ही ना टाइम लगेगा, बट या
जो क्वालिटी मिलेगी ना भाई बहुत सही आएगी। तो बाकी तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग तुम्हारे खुद के ओपिनियन बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।